हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? विद्या भारती सेंट सेकेंडरी स्कूल के लाइट चूल्हे में आपका फिर से वेलकम है। ओके, जो अपनी केमिस्ट्री में रिएक्शन चल रही थी, वीडियो वो क्या थी आज? एल्डोल कंडेंसेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है और ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में से तो यहाँ से आता ही आता है बेटा, ठीक है? तो ध्यान देना, बहुत अच्छा लेक्चर है। कौन सा है अपना आज का लेक्चर? एल्डोल कंडेंजेशन। एल्डोल कंडेंजेशन याद कीजिएगा, हमने कल थोड़ा बहुत बताया था एल्डोल कंडेंजेशन के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन देखा था कि कितने प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एल्डोल कंडेंजेशन क्या था बेटा? आपको ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेने हैं, आपको ऐसे एल्डिहाइड या क्या लेने हैं? कीटोन लेने हैं, जिनमें क्या हो? एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। आपको ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेने हैं जिनमें क्या हो? एल्फा हाइड्रोजन परमाणु दोनों लेकर आपको एनएच की तनु एनएच की उपस्थिति में क्या करवाना है? रिएक्शन करवाना है। रिएक्शन करवाएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एलोल या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल का फॉर्मेशन होता है, कर सकते हैं। यदि आप एल्फा हाइड्रोजन युक्त एलएल ले रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एलोल का फॉर्मेशन होगा। यदि आप कीटोन ले रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल का फॉर्मेशन होगा, कर सकते हैं। और यह भी हमने बताया था कि जो उत्पाद हम उसको एल्डोल या कीटोल बोल रहे हैं, एल्डोल या कीटोल बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं पता चल गया होगा, क्योंकि जो प्राप्त उत्पाद था दोनों के से बनने के बाद में, उसमें एक आपका एल्डिहाइड समूह था और दूसरा कौन सा था? आपका एल्कोहल समूह था। तो एल्डिहाइड को एल्ड एल्कोहल मतलब दोनों को अटैच कर रहे हैं तो एल्डोल बनता है। इसी प्रकार कीटोल है जिसमें कीटोन और हाइड्रोक्सी दोनों समूह उपस्थित हो, कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बड़ा अच्छा लेक्चर है, ठीक है? आपके हर कंप्यूटर में आता है, ट्वेल्थ एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है? तो देखते हैं हम कौन सा एल्डोल कंडेंजेशन, और जो इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें वो अपने पढ़ लिया था, दो भागों में बांटा था बेटा, याद करना कौन सा? सिंपल एल्डोल कंडेंजेशन, और जो दूसरा था अपना वो कौन सा था? क्रॉस एल्डोल कंडेंजेशन रिएक्शन थी, ठीक है? और हमने इसके प्रकार भी देखे थे, यदि समान एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बीच में आप एल्डोल कंडेंजेशन रिएक्शन पड़ी तो वो कौन सा होगा? सामान्य होगा। यदि समान कीटोनों के बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो कौन सा होगा? समान होगा। क्रॉस की बात करें, और क्रॉस कब होता है? जब दोनों अलग अलग हो, और जब दोनों अलग अलग हो तो असमान एल्डिहाइड के बीच में हो सकता है, हाँ जी, असमान कीटोनों के बीच में हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में हो सकता है, कर सकते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कौन सा? हाँ जी, समान एल्डिहाइड के मध्य एल्डोल संघनन, समान एल्डिहाइड के मध्य एल्डोल संघनन। आज हम पढ़ेंगे कीटोनों के मध्य एल्डोल संघनन, ठीक है? तो देखिएगा बेटा, नंबर जो दो है अपना कौन सा? हाँ जी, कीटोनों के मध्य, और कीटोन कौन से बेटा? आपके समान है, तो समान कीटोनों के मध्य, कीटोनों के मध्य, हाँ जी, एल्डोल संघनन या कीटोल संघनन ये लिख सकते हैं आप, कीटोल संघनन, कीटोल संघनन, ठीक है? तो देखिएगा किस प्रकार से आपको रिएक्शन करनी है। जैसे मैं एक अणु लिख रहा हूँ बेटा, कि आपका CH3C डबल बॉन्ड और CH3, ये कौन आपका? एसीटोन, और एसीटोन ही और लेना आपको, सेम अणु लेने हैं बेटा आपको, सेम अणु, ठीक है? तो क्या लिखेंगे आप? C डबल बॉन्ड और क्या लिखूँ मैं? CH3 लिखूँ, और जो रिएक्शन हो रही है वो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंसी में हो रही है, कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से बेटा, देखो कितना आसान है, बॉन्ड तोड़ना है तो नेगेटिव आ पाता है, और यहाँ पे कौन सा आ पाता है बेटा? पॉजिटिव आता है, ओके? हाँ जी, इसी प्रकार यहाँ पे आंशिक नेगेटिव, तो नेगेटिव और आंशिक पॉजिटिव आता है। अब जो पॉजिटिव चार्ज आपका एल्फा हाइड्रोजन परमाणु, कौन है ये? एल्फा, और इसी एल्फा हाइड्रोजन परमाणु का आंशिक रिएक्शन हो रही है, यह ध्यान रखेंगे आप। तो H इधर आएगा तो OH बन जाएगा, आज इस C से कौन जुड़ेगा? ये CH2 जुड़ेगा, तो क्या लिखेंगे आप? CH3, हाँ जी, क्या लिखा आपने? CH3, फिर क्या लिखा आपने? OH, कौन जुड़ेगा इससे? CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या लिखूँ मैं? CH3 लिखूँ, हाँ जी। अब देखिएगा अल्फा, और ये कौन सा आपका? बीटा, तो नाम क्या हो गया बेटा? बीटा हाइड्रोक्सी, क्या नाम हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसके संघनन की बात करें बेटा, तो संघनन देखो थोड़ा सा आपको क्या देना है? टेम्परेचर देना है, तो यहाँ से OH और एल्फा से क्या निकालना है आपको? हाइड्रोजन निकालना है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ होगा, तो बाहर क्या हो जाएगा आपका? H2, और क्या लिखें बेटा? CH3, क्या लिखूँ? CH3 डबल बॉन्ड, क्या लिखूँ? CH, हाँ जी, और फिर क्या लिखूँ? CO CH3, ये हो गया, हाँ जी। अब देखिएगा इसका नाम लिखना है, हाँ जी, क्या नाम हो जाएगा? गिनती करेंगे बेटा, 1 2 3 4, तो क्या लिखा आपने? 3 मैथिल, क्या लिखा आपने? 3 मैथिल
फिर क्या लिखेंगे आप, ब्यूट, चार कार्बन है बेटा, चार के लिए ब्यूट आ जाएगा, डबल बॉन्ड है दो पे, तो ब्यूट टू इन, हाँ जी टू ऑन, ये इसका नाम हो जाएगा। आप क्वेश्चन आ सकता है आप एसीटोन से, क्वेश्चन आ सकता है बेटा क्या, आप एसीटोन से थ्री मेथिल ब्यूट टू इन टू ऑन का निर्माण कैसे करोगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये भी क्या हो गया, ये एसीटोन और ये एसीटोन दोनों क्या बेटा आपका सेम है, ठीक है सेम है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, हाँ जी सिंपल कीटोन सिंपल, हाँ जी एल्डोल कंडेंजेशन। अब जो कीटोन के बीच में तो क्या लिख देंगे बेटा आप, यहाँ पे कीटोल लिख देंगे, यदि यहाँ पे एल्डेल लेते तो यहाँ पे क्या लिख देते बेटा आप, एल्डोल लिख देते, कर सकते हैं। तो ये आपका कीटोल है बेटा, कौन है कीटोल है, इसको एल्डोल नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे इसको, कीटोल बोलेंगे, ये कीटोनों के मध्य रिएक्शन हो रही है, कर सकते हैं। अब चलते हैं बेटा किसकी बात करते हैं, क्रॉस की, आज और क्रॉस को भी हमने तीन भागों में डिवाइड कर रखा था, आज असमान एल्डिहाइड के मध्य, असमान कीटोनों के मध्य, फिर एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य ये रिएक्शन चल रही थी बेटा। तो देखना जो अगला था नंबर दो कौन सा, क्रॉस, और इसको समझने की कोशिश करेंगे हम, क्रॉस एल्डोल एल्डोल कंडेंजेशन कंडेंजेशन रिएक्शन, ये आप पढ़ेंगे ठीक है। अब क्रॉस जो एल्डोल संघनन है बेटा उसमें याद रखेंगे, यदि आप क्रॉस एल्डोल संघनन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ठीक है, तो इसमें चार भिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, ये आपको याद रखना है, चार भिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे, कर सकते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से याद रखना, आपको क्या प्राप्त होंगे बेटा, चार भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, ये आप याद रखेंगे। यदि क्या लेंगे आप, या तो असमान एल्डिहाइड ले लो, चाहे असमान कीटोन ले लो, या आप एल्डिहाइड कीटोन ले लो, ठीक है। कितने उत्पाद बनेंगे बेटा, चार उत्पाद बनने वाले हैं, देखिएगा। जैसे हम क्या ले ले, किस किस के मध्य, हाँ जी आपने क्या ले लिया, एक तो एसीटाइल ले लिया बेटा, एथेनेल ले लिया, और दूसरा क्या ले सकते हैं आप, प्रोपेनेल ले सकते हैं, CH3CH2CHO। हाँ जी, अब इन दोनों के बीच में हम क्या कराएं, एल्डोल रिएक्शन करवाएं, तो ये क्या कहलाएगी, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कराएगी। एल पर परमाणु का होना अनिवार्य है, नंबर दो दोनों असमान अणु होंगे तो ही क्रॉस एल्डोल होगा, जैसे नंबर एक बेटा, हाँ जी इन दोनों के बीच में क्या लिख सकते हैं आप, प्रोपेनेल, तो प्रोपेनेल, चलो लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं सीधा ही बता देता हूँ आपको, हाँ जी प्रोपेनेल एल्डिहाइड के मध्य, हाँ जी तो क्या लिखा, जैसे आपने ये लिखा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या लिखूँ एच प्लस, दूसरा कौन सा आपका प्रोपेनेल है ना बेटा, तो क्या लिखेंगे आप सी एच टू, हाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी एच टू, हाँ सी एच थ्री, और क्या लिखूँ मैं सी एच ओ लिखूँ, ओके हाँ जी। ये बेटा एल्फा कार्बन है, कौन सा कार्बन है, एल्फा कार्बन है, यहाँ से बोन टूटेगा बेटा, तो एच प्लस बाहर होगा, इस पर एन आइन चार्ज आएगा, हाँ जी यहाँ से बोन थोड़ा नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये रिएक्शन चल रही है बेटा। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, सी एच थ्री, हाँ सी एच ओ एच, क्या लिखेंगे आप, सी एच थ्री सी एच ओ, हाँ जी एल्डोल बना है बेटा, क्या बना है एल्डोल, तो ये हो गया एल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, नाम क्या हो जाएगा लिखना चाहिए तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कर सकते हैं। हाँ अब इसमें से यदि आप जल बाहर निकालें बेटा, क्या निकालें, जल बाहर निकालें, तो यहाँ से ओ एच ले सकते हैं, यहाँ से क्या ले सकते हैं आप, एच ले सकते हैं, तो देखिएगा बाहर क्या हो गया एच टू, और क्या लिखेंगे आप सी एच थ्री, हाँ जी सी एच बेटा डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच ओ, फिर अभी इसका क्या लिख देंगे बेटा आई यू पी एस सी नाम लिख देंगे, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर दो पे आते हैं, हाँ जी अब पहले आपने क्या लिया है, एल्डिहाइड रखा है ना, एसीटाइल्डिहाइड, और फिर क्या रखा आपने, हाँ जी प्रोपेन एल्डिहाइड रखा है, तो इसको पहले ले लीजिएगा, इसको बाद में कर लीजिएगा, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। देखो और क्या फर्क पड़ेगा ये चेक करेंगे आप, क्या लिखा सी एच थ्री, फिर क्या लिखा आपने सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या लिखेंगे आप, हाँ जी कीटोन नहीं है बेटा ये, इधर एच है सी डबल बॉन्ड ओ हो गया। अब देखिएगा इसकी रिएक्शन किसके साथ है, नंबर दो, हाँ जी एसीटाइल्डिहाइड के साथ लिख सकते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ से बोन तोड़ा बेटा
नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इसी प्रकार यहाँ से क्या तोड़ेंगे आप, बॉन्ड तोड़ेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे आप, सी एच थ्री क्या लिखूँ, सी एच टू बेटा, सी एच ओ एच और आगे क्या है सी एच टू और क्या लिखूँ सी एच ओ लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे आप, हाँ जी इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दीजिएगा, तो यहाँ से ओ एच बेटा इधर से क्या जा सकता है एच, इधर से भी जा सकता है एच, तो बाहर हो गया एच टू, क्या लिखेंगे आप सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच और क्या लिखूँ सी एच ओ लिखूँ, फिर हम इसका नाम लिख देते हैं। ओके अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर तीन बेटा, नंबर तीन हाँ जी एसीटेल्ड एडिसिलेटेड की मध्य रिएक्शन करवा लीजिएगा, तो क्या लिखेंगे आप सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सी एच टू एच सी एच ओ जी। अब देखो सेम प्रोसेस बेटा, बार बार बताया नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से थोड़ा नेगेटिव और इस पे क्या जाएगा पॉजिटिव, सिर्फ अब जोड़ना है विपरीत चिन्हों पे, तो क्या लिखेंगे आप सी एच थ्री हाँ जी, फिर क्या लिखेंगे बेटा सी एच हो गया, फिर यहाँ पे कौन जुड़ रहा है ओ, ओ के साथ कौन है एच, ओके फिर यहाँ कौन आ गया सी एच टू, फिर क्या लिखेंगे सी एच ओ लिखेंगे। टेम्परेचर दिया बेटा, तो यहाँ से ओ एच और यहाँ से एच, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो क्या लिखेंगे आप सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ हाँ जी, ये बन चुका है। अब देखिएगा जो आपकी फोर्थ रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन फोर्थ रिएक्शन है हाँ जी, अब उसमें आप क्या ले लीजिएगा प्रोपेन ले लीजिएगा सी एच थ्री हाँ जी, फिर क्या लिखूँगा सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच हो गया, ऐसा ही अणु सेम लेना है हाँ जी सी एच थ्री सी एच ओ रिएक्शन करवाएगा बेटा हाँ जी, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से एल पार्टिजन को बाहर भेज दो, एल पार्टिजन यहाँ जाएगा, ये सी एच इस कार्बन से जुड़ेगा, तो क्या लिखूँगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ एच सी एच सी एच थ्री सी एच ओ ओके, ताप देंगे बेटा यहाँ से ओ एच और यहाँ से क्या जा रहा है एच जा रहा है, तो क्या लिखा आपने हाँ जी आपने लिखा सी एच थ्री सी एच टू सी एच हाँ जी डबल बॉन्ड सी एच और क्या लिखा सी एच ओ लिखा है, कर सकते हैं इस प्रकार से इसका क्या हुआ है फॉर्मेशन हो चुका है, कर सकते हैं ये अपनी क्या हो गई है रिएक्शन हो गई है बेटा हाँ जी। बस इतना याद रखना आपको एल्फा हाइड्रोजन परमाणु को बाहर करना है तो चार भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, चार भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल इजी रिएक्शन थी, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई अपनी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अब इसमें चेक करना है बेटा गलत गलत होगा सही सही होगा, ये ध्यान रखना चार भिन्न उत्पाद प्राप्त करने हैं आपको, चार भिन्न भिन्न चेक करते हैं हाँ जी, क्या ये सेम तो नहीं हो गए, सेम हो गई तो इसको चेंज करना पड़ेगा बेटा, अभी बता देते हैं हम हाँ जी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है ओके हाँ जी, ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से अलग है श्योर है हाँ जी, ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से क्या है अलग है ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है बेटा हाँ जी चेक करो ये कहीं और तो नहीं मिल रहा ना सी एच थ्री सी एच टू हाँ जी ये तो नहीं मिला है और हाँ जी, इस प्रकार से आपको क्या करने भिन्न उत्पाद प्राप्त करने हैं, कर सकते हैं बिल्कुल इजी रिएक्शन थी। अब नाम चेक कर सकते हैं कि नाम जैसे अब इनका जो फाइनल प्रोडक्ट है इनका नाम वो लिख लीजिएगा, गिनती यहाँ से करेंगे बेटा 1 2 3 4 ओके, तो क्या लिखा आपने हाँ जी 2-methyl क्या लिखा 2-methyl आगे क्या है ब्यूट चार कार्बन है ना ब्यूट 2-enyl हो गया इनेल एल इसका हाँ जी। अब यहाँ से गिनती करिए 1 2 3 4 5 तो क्या हो जाएगा ब्यूट ये पेंट टू इनेल क्या बन जाएगा पेंट टू इनेल ये बन जाएगा हाँ जी। अब इसकी बात करते हैं बेटा 1 2 3 4 तो क्या बन गया ब्यूट टू इनेल क्या बन जाएगा ब्यूट टू इनेल हाँ जी। अब इसकी बात कर लो 1 2 3 4 5 कोई भी उत्पाद सेम नहीं होना चाहिए तो क्या लिखेंगे पेंट टू इनेल पेंट टू ई नेल हाँ जी। अब लगता है देखिएगा यहाँ पे कितने कार्बन थे 1 2 3 4 5 तो क्या बन गया पेंट टू इनेल यहाँ पे चेक करो 1 2 3 4 5 चेक किया तो ये भी क्या बन गया बेटा पेंट टू इनेल बन चुका है क्या बन गया पेंट टू इनेल कौन कौन सी रिएक्शन में
फोर्थ रिएक्शन और जो आपकी थर्ड रिएक्शन है, इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, CH3CH2OH, CH3CH2OH, CH3CHO, CH2CHO। अब इसको आपको देख लो कैसे चेंज करना है, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। हाँ जी, देखिएगा सेम उत्पाद नहीं होनी चाहिए बेटा, सेम उत्पाद हैं तो गलत, हमने पहले लिख दिया है क्या चार भिन्न उत्पाद प्राप्त होने चाहिए। तो देखना किस प्रकार से आप रिएक्शन करेंगे, क्या लिखा आपने CH3, हाँ जी, फिर क्या आपने लिखेगा CH2C(OH) और क्या लिखूँ मैं एच लिखूँ, ये कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पे प्लस CH2 और क्या लिखूँ C(OH) लिखता हूँ, कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, तोड़ दीजिएगा नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ जी इधर से तोड़ें, अब इसको जोड़ दीजिएगा। हाँ जी, सिर्फ मैं आपसे पूछूंगा क्या ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ वो क्या रियल में ही सही है, इतना सा आंकलन आपको करना है। हाँ जी, बस इतना पूछूंगा कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो सही है CH2CHO और यहाँ पे क्या लिखूँगा CHO, आप जल बाहर कर ही देंगे बेटा, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो आपको बताना है कि क्या बनेगा CH2CH3CH2CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 और क्या लिखूँ CHO लिखूँ। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी थी, होगी रिएक्शन अपनी। हाँ जी, ये देख लीजिएगा, अब इसमें जो उत्पाद आपके वो सेम नहीं होने चाहिए बेटा, बिल्कुल भी सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन थी दूसरी, कौन कौन सी मिल रही थी आपकी, पहली रिएक्शन मिल रही थी और दूसरी रिएक्शन मिल रही थी, ठीक है, अब नहीं मिलेगी। लेकिन अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक इम्पोर्टेंट बात, ये अल्फा कार्बन और ये कौन सा बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ से निकाला आपने, बीटा से निकाला है, तो ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है। और इसका नाम देखो 1 2 3 4 5 6 क्या बन गया, हेक्स 3 इनेल, बल्कि हमने तो ये कहा है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से, और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु काम में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को देखना बेटा, हाँ जी, क्या सही है गलत है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ कमेंट करना है कि जो रिएक्शन है फोर्थ वो सही है या गलत है, ओके। अब देखिएगा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ H, हाँ जी CH3CHO, हाँ जी अल्फा और ये कौन सा है बीटा, ये भी है, दोनों सेम है, यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव बेटा, यहाँ पे नेगेटिव, तोड़ दीजिएगा। अब इसको जोड़ के देखना बेटा क्या बनता है, CH3CH2 फिर क्या आ गया बेटा CHOH, ओके। फिर यहाँ पे देखना क्या आएगा CH, फिर क्या लिखूँ CH3, फिर क्या लिखें CHO लिखें, चेक करते हैं क्या ये प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है, क्या ये प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है, तो लगता है शायद इसमें ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, चेक करें क्या सही है या गलत है। तो देखिएगा यहाँ पे ये बना है CH3CHO आ गया बेटा बीच में इसमें, तो ये रिएक्शन आपके क्या है, बिल्कुल सही रिएक्शन है। हाँ जी, और नाम क्या लिखेंगे बेटा 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, हाँ जी 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, हाँ जी पेंटेनिल बन जाएगा, जल बाहर निकाल देंगे बेटा, क्या करेंगे जल को बाहर निकाल देंगे, तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो देख लीजिएगा OH, और यहाँ से क्या निकालना है आपको H निकालना है, तो बाहर हो गया H2, तो क्या लिखेंगे CH3CH2CH डबल बॉन्ड C, हाँ जी और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ गया आपका CHO आ गया। हाँ जी, अब चेक करो फाइनल प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट इससे मैच नहीं कर रहा है बेटा, नाम दे सकते हैं IPC नाम आप, और ये इससे मैच नहीं कर रहा है, फिर फोर ये बना आपका, ये इससे मैच नहीं कर रहा है, कर सकते हैं चेक कर सकते, कौन सा था बेटा ये अलग था, ठीक है। ये रिएक्शन दूसरी है अपनी, ये वाली जो हमने बताई थी, और ये बता दें क्या फोर्थ रिएक्शन आपकी सही है, ये हमने कहा था, ये आपसे पूछा है क्या ये रिएक्शन मैं सही मानूँ या गलत मानूँ। हाँ जी, ये रिएक्शन हमने फोर्थ एक रिएक्शन यहाँ की है, इसमें बताना है कि कौन सी फोर्थ रिएक्शन आपकी सही है, इस प्रकार से आपका कौन सा हो बेटा ये
एल्डोल कंडीशन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओनली फॉर आपको सिर्फ क्या करना है, एल्फा हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकालना है, तो ही आपकी रिएक्शन बेटा मान्य होगी, अन्यथा मान्य नहीं होगी। कर सकते हैं। और ध्यान रखना, बीटा और गामा तक जो कार्बोनिल समूह, उसका प्रभाव क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। तो ओनली फॉर ये एल्फा हाइड्रोजन परमाणु के कारण से रिएक्शन होगी, बीटा और गामा हाइड्रोजन परमाणु के कारण रिएक्शन नहीं होगी। तो हमने इस रिएक्शन को बताया, इस रिएक्शन को बताया, देखना यह है, हमने पहले बताया चार बिन उत्पाद प्राप्त होंगे, और ये जो उत्पाद है बेटा बिन प्राप्त करने, क्या करने है, बिन प्राप्त करने, कोई सा भी प्रोडक्ट सेम नहीं होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है, एल्फा हाइड्रोजन परमाणु को ही आपको डोनेट कराना है। कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, ये रिएक्शन बिल्कुल गलत है बेटा, हमने बीटा से हाइड्रोजन निकाला है, तो ये रिएक्शन क्या होगी बेटा, आपकी गलत हो गई है। यहाँ सही है, एल्फा हाइड्रोजन परमाणु को बाहर किया है, तो आपकी कौन सी रिएक्शन सही है बेटा, ध्यान रखना, फोर्थ ये वाली रिएक्शन है, और ये रिएक्शन क्या बेटा आपकी गलत है। कर सकते हैं। इस प्रकार से ये ध्यान रखेंगे, चाहे आप बिन एल्डिहाइड ले, चाहे बिन कीटोन ले, बिन एल्डिहाइड ले या बिन कीटोन ले, ठीक है, चार बिन बिन उत्पाद आपको बनाने होंगे। कर सकते हैं इसी प्रकार, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ और आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा या कितने प्रोडक्ट इसमें बनने वाले हैं। तो हमने असमान एल्डिहाइड के मध्य एल्डोल कंडेंजेशन कराया बेटा, अब देखिएगा असमान कीटोनों के मध्य आपको आज एल्डोल कंडेंजेशन रिएक्शन करनी है, तो इसमें चार भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, चार भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, और यही आपको बताना है। तो नंबर देखिएगा, पहला हो गया नंबर दो, असमान कीटोनों के मध्य, असमान कीटोनों के मध्य कीटोल संघनन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, कीटोल संघनन रिएक्शन या कीटोल संघनन अभिक्रिया, ये कर रहे हैं। जैसे मैं नंबर एक में देखो बेटा क्या ले रहा हूँ, एसीटोन ले रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ओके, फिर इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, एथिल मेथिल कीटोन के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 और क्या लिखूँ, CH3, हाँ जी। इस प्रकार से तो आपको एक तो लेना कौन बेटा, डाई मेथिल कीटोन लेना है, एक कौन लेना आपको आज एथिल मेथिल कीटोन लेना, फिर आपको रिएक्शन करना, सेम वो ही रिएक्शन है बेटा, एल हाइड्रोजन परमाणु को सीधा यहाँ जोड़ना है, ठीक है, CH2 समूह बचेगा, वो कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट चुका था, ये समूह आगे जोड़ने वाला है। जैसे एक रिएक्शन करके बता देता हूँ बेटा किस प्रकार से करने, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एल हाइड्रोजन परमाणु को बाहर भेजना है, तो H इधर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे बेटा, CH3, क्या लिखूँ, CH3, आज बेटा यहाँ पे कौन है, OH है, आज यहाँ कौन बच गया, CH2 सी डबल बॉन्ड और क्या आ गया, CH2 और क्या लिखो, CH3, ये आपका कीटोल है, कौन है बेटा, कीटोल है। कर सकते हैं, ये अल्फा और ये कौन हो, बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल का फॉर्मेशन हुआ है। बस इसी प्रकार से जैसे अब इसको पहले ले लीजिएगा बेटा, तो क्या लिखा आपने, CH2 C डबल बॉन्ड ओ और क्या लिखूँ, CH3, इसके साथ में आप रिएक्शन करवा दीजिएगा और बताएंगे कि किसका फॉर्मेशन होगा, ये रिएक्शन फटाफट कर लीजिएगा। हाँ जी, और आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी रिएक्शन इसमें होने वाली है, ठीक है। और चलो मैं तीसरी रिएक्शन भी आपको करके देता हूँ और आपको सीधा कमेंट बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। फिर क्या लिखेंगे बेटा आप, CH3 C डबल बॉन्ड ओ समान के बीच में करवा दीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, हाँ जी, बना के देखना बेटा, बड़ा मज़ा आएगा इन रिएक्शन को आप करा के देखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH2 और क्या लिखो, CH3 लिख सकता हूँ, ओके, ये रिएक्शन आपको करवानी है। कर सकते हैं। तो फटाफट कमेंट करके आपको बताना है कि जो चार रिएक्शन हमने बनाई हैं इनमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, और फिर ये बताना है जो मेजर प्रोडक्ट होंगे वो कौन से होने वाले हैं। ये इस प्रकार से आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है बेटा, बिल्कुल इजी रिएक्शन है, ठीक है, कर लिया होगा आपने बेटा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, इधर से तोड़ा है, बस रिएक्शन हो गई। क्या लिखें यहाँ, CH3 CH2 COH, यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया है, हाँ जी, क्या लिखूँ, CH2 C डबल बॉन्ड ओ और क्या लिख सकता हूँ मैं,
सी ऐसे लिख सकता हूँ। ये बन गया है, कोई सा भी प्रोडक्ट सेम नहीं होने चाहिए, चार भिन्न प्रोडक्ट बनाने हैं। हाँ जी बेटा सेम, यहाँ से आपको एल हाइड्रोजन परमाणु निकालने हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, सी एस थ्री बेटा, सी ओ एच सी एस थ्री, हाँ जी सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये भी बीटा हाइड्रोक्सी केटोल बना है, हाँ जी इससे बना दीजिएगा। सेम बॉन्ड तोड़ो बेटा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालो इस प्रकार से, तो क्या बनने वाला है, सी एस थ्री सी एच टू सी ओ एच सी एस थ्री, और फिर क्या लिखेंगे बेटा, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू, और क्या लिखूँ मैं, सी एस लिखूँ। ये भी कौन सा आपका बीटा हाइड्रोक्सी केटोल है, कौन है सबके सब, बीटा बीटा हाइड्रोक्सी केटोल है। अब ये केटोल कौन है, ये केटोल। इस प्रकार से आपको ये चार प्रोडक्ट बनाने हैं, चारों प्रोडक्ट आपके क्या होंगे, भिन्न होंगे। अब इनका किटोल संघनन करवा सकते हैं, किटोल संघनन, यहाँ से जैसे OH तो यहाँ से क्या निकालेंगे, H तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा बेटा, यहाँ से OH यहाँ से H तो डबल बॉन्ड इधर कर देना, OH इधर से H डबल बॉन्ड, OH इधर से H तो डबल बॉन्ड, ठीक है। इस प्रकार से चार भिन्न प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। अब जैसे ऐसे ही मैं एक रिएक्शन और दे दूँ बेटा, और आपको कंप्लीट करनी हो कि इस अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए तथा अभिक्रिया का नाम लिखिए या कौन सी अभिक्रिया है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आज एल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड या कीटोनों की वह अभिक्रिया दीजिए जो एल्फा हाइड्रोजन परमाणु के कारण से संपन्न होती है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बेटा ये रिएक्शन आपको करवानी है, मैंने लिखा एसीटोफिनोल, क्या लिखा बेटा हमने, एसीटोफिनोल लिखा है। देखते हैं इस रिएक्शन को कौन कर पाता है, एक तो लिया हमने एसीटोफिनोल और एक लिया हमने एसीटोन लिया है, क्या लिया है, एसीटोन लिया है। दोनों के बीच में आपको रिएक्शन करवानी है, ये आपका कौन है, एसीटो फिनॉन, कौन है, एसीटोफिनॉन, और ये कौन आपका एसीटोन है, कौन है, एसीटोन है। इनके बीच में आपको रिएक्शन करवानी है, तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, हाँ जी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगी, और ये बताना है कि किस प्रकार से रिएक्शन होगी, और ये ध्यान रखेंगे इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, चार प्रोडक्ट बनने वाले हैं, कितने बनेंगे, चार प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें, आप यदि एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य भी हाँ जी संघनन करवाएं तो भी कौन सी रिएक्शन होगी, क्रॉस एल्डोल संघनन होगी, ये याद रखेंगे। जैसे बेटा ये करवा दिया आपने सी एच थ्री सी एच ओ, ठीक है, और क्या लिख लिया आपने, एसीटोन ले लिया बेटा, क्या ले लिया है, एसीटोन ले लिया है, ठीक है। अब रिएक्शन करवा रहे हैं तो बेटा इससे भी हाँ जी कितने उत्पाद बनेंगे बेटा, ये ध्यान रखने हैं, तीन और ये फोर, चार प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाले हैं, तरीका सेम है बेटा। हाँ जी किस प्रकार से करना है, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में करवाना है, तो देख लेना आप वहाँ पे कीटोल बन रहा है या एल्डोल बन रहा है, ये जरूर चेक कर लीजिएगा, और शायद कीटोल का फॉर्मेशन होगा बेटा, किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोल का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। तो एक बार देख लेना, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, इसमें भी चार प्रोडक्ट आपके बनने वाले हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, कीटोन कीटोन दोनों भिन्न है, तो क्रॉस एल्डोल संघनन रिएक्शन होगी, इसमें भी चार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, चार प्रोडक्ट बनेंगे, और जो चारों प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, कोई सा भी प्रोडक्ट आपस में मिलता जुलता नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होगी अपनी कौन सी आज एल्डोल रिएक्शन, और कौन सी है, कल्डोल, ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है, ठीक है। दोनों रिएक्शन कंप्लीट होगी, और ये दोनों जो रिएक्शन है बेटा, ये ध्यान रखना हमेशा किसके कारण से होती है, एल्फा